नमस्कार, आइए बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज पूरे यूपी से चुनाव से जुड़ी कई सारी बेहद बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ जहां कृषि कानून वापसी पर मुहर लग गई है, तो वहीं सपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन तथा कांग्रेस का एक बड़ा विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, तो इस खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके अपने का नाम जरूर बताएं। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कैबिनेट बैठक में किसान कानून वापसी वाले बिल पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जल्द इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने 19 नवंबर को कृषि कानून वापसी की घोषणा की थी और आज इस पे मुहर लग गई है, तो दोस्तों आप इससे खुश हैं या नहीं कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी का एजेंट तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया यह जवाब। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला किया। ओवैसी को सपा का एजेंट बताकर कहा कि वे भावनाओं को भड़का रहे हैं। इस पर AIMIM ने कहा कि ठोक देंगे वाले बाबा, मैं सिर्फ उनका एजेंट हूं जिन्होंने मुल्क को आजादी दिलाई और भारतीयों के नागरिकता को मजहब से परे रखा। वहीं अगली बड़ी खबर, कानपुर में सपा पार्षद की दरोगा को धमकी, तुम हमारा झंडा नोचोगे हम तुम्हारे बिल्ले नोच लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि कानपुर में भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय के विरोध में लगे सपा नेताओं के बैनर को हटाने के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी युवा जन सभा के जिला अध्यक्ष व वार्ड 45 से पार्षद अर्पित यादव का पुलिस से नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दरोगा को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमारा पोस्टर हटाओगे तो हम तुम्हारा बिल्ला नोचेंगे। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, अखिलेश यादव से मिले सांसद संजय सिंह, RLD के बाद आपके साथ भी सपा के गठबंधन की चर्चा तेज। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बुधवार को लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही यूपी के सियासी गलियारों में RLD के बाद आम आदमी पार्टी के साथ सपा के गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लखनऊ स्थित लोहिया ट्रस्ट के दफ्तर में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। गौरतलब है कि मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे दलों से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने कहा पूरे विश्व में मिल रहा भारत और भारतीयों को सम्मान, जगाएं हम सफर की भावना। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत और भारतीयों को सम्मान मिल रहा है। कानपुर का मेहरबान सिंह के पुरवा में स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी में उन्होंने लोगों में हमसफर की भावना जगाने का आह्वान किया, तो बेहतर शिक्षण संस्थानों का हवाला देते हुए कानपुर की जिम्मेदारी देश के प्रति अहम बताई। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव की भी चर्चा छेड़ते हुए उन्होंने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित कराने और इतिहास बताने पर जोर दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के धरना समाप्त करने के पक्ष में उतरे खाप चौधरी, बोले खेतों में जाकर फसलें देखें किसान। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब बागपत में खाप चौधरी भी धरना समाप्त करने की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। इसके लिए खाप चौधरियों ने किसानों से आह्वान करना भी शुरू कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर 24 खाप चौधरी सुभाष का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा किसानों की जीत है, अब किसानों को अपने खेत खलियानों की ओर देखना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, सपा का गठबंधन प्लान, सहयोगी दलों को देगी 50 सीट, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा ने की अखिलेश से मुलाकात। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों से गठबंधन के रोड मैप को अंतिम रूप देते हुए सभी सहयोगी दलों को अधिकतम 50 सीट देने का फैसला किया है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि 403 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 350 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसमें सहयोगी दलों के कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जो सपा के चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमाएंगे। लेते अगली बड़ी खबर, यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कही रहस्य भरी बात। दरअसल किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के अहम नेताओं में शुमार किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले साल यूपी समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। बुधवार को गाजियाबाद के सदर गांव में पत्रकारों से बात
बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। टिकैत के इस बयान से यह नहीं पता चल रहा है कि वह यूपी समेत अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे या नहीं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी खिलाफ चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जबाद ने उन पर बीते दिनों एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। मौलाना का आरोप है कि कुछ समय पहले वसीम रिजवी ने मोहम्मद नामक पुस्तक लिखकर मोहम्मद साहब का अपमान करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, आज भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं विधायक अदिति सिंह। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शाम को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसमें विधायक अदिति भी शामिल हो सकती हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। जी हां, आपको बताने की द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की संकल्पना के बाद अब परियोजना आगामी 13 दिसंबर 2021 को बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री मोदी जनता को लोकार्पित करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा कॉरिडोर परियोजना लोकार्पण के बाद देश के शीर्ष धार्मिक स्थलों में शुमार हो जाएगा, जो काफी दिव्य है और भव्य भी है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर बबीता फोगाट का वार, कहा दीदी को 50 की उम्र में पता चला है कि वह लड़की है, लड़ सकती हैं। जी आपको बताने की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और दंगल फिल्म से घर घर में चर्चित बबीता फोगाट ने ताज नगरी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल की उम्र में आकर उन्हें पता चला है कि वह लड़की है और लड़ सकती है। यह बात सुनकर हंसी आती है। फोगाट ने कहा कि भाजपा राज में राम राज है, सपा की सरकार में गुंडों का राज था। अच्छा, अगली बड़ी खबर, एडीआर ने पेश किया यूपी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, 140 विधायकों के विरुद्ध दर्ज है मुकदमे। जी आपको बताने की विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इलेक्शन से जुड़े विश्लेषण भी शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच व एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने विधायकों के शपथ पत्रों की समीक्षा के आधार पर दावा किया है कि अगले चुनाव में भी धन बल व बाहुबल का बोलबाला होगा। एडीआर ने प्रदेश के 396 वर्तमान विधायकों के वित्तीय, आपराधिक, शैक्षणिक व अन्य विवरण के विश्लेषण के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इनमें 71% विधायक करोड़पति हैं तथा 35% खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।